नमस्कार दोस्तों पी टी कैसर में फिर से एक बार आपका स्वागत है और आज की वीडियो में आप ऑटोकेट थ्री डी में इस तरह के मॉडल बना सकते हैं मैंने एक मोटर का बैक प्लेट बनाया है अगर आप इस तरह के ऑब्जेक्ट बनाना चाहते हैं ऑटोकेट टू थाउजेंड में तो आप इस तरह से ऑब्जेक्ट बना सकते हैं मैं वीडियो के शुरुआत में इसलिए इस ऑब्जेक्ट को आपको दिखा दिया कि आप आगे कैसे बनाना चाहते हैं आप इस वीडियो को देखकर सीख सकते हैं और जो आगे हमारा कंप्लीट प्रोजेक्ट होगा वो इस, इस प्रकार से होगा तो सबसे पहले हम ऑटोकेट टू ओपन करेंगे ओपन करने के बाद उसका इंटरफेस कुछ इस प्रकार से होगा कैड ओपन होने के बाद से उसका इंटरफेस कुछ इस प्रकार से होगा तो हम एक ग्रेड दिख रहा है इसे ग्रेड को यहाँ करेंगे उसके बाद से हम एक सौ बीस mm का सर्कल ड्रॉ करेंगे हमने पहले ही बता दिया आपको कि हम जो भी आ, ऑब्जेक्ट बना रहे हैं ये बिना डायमेंशन के बना रहे हैं और हम अपने हिसाब से इसका डायमेंशन डिसाइड करेंगे यहाँ पे हमने एक और सर्कल इसके सेंटर में बनाया जो सेंटर का डायमीटर पचास एमएम का होगा उसके बाद ठीक इस सर्कल के आ, सेंटर के ऊपर हमने एक पच्चीस से एम एम का एक लाइन ड्रॉ करेंगे तो सेंटर लेने के लिए हम जब कर्सर हम सेंटर सर्कल uh, के सेंटर में लाएंगे तो यहाँ पे सेंटर पॉइंट दिखाई देगा और यहाँ पे हमने एक लाइन बनाया ट्वेंटी फाइव एम एम का उसके बाद से उस लाइन को हमने अपसेट किया राइट साइड में और फिर हम इसी लाइन को मिरर कमांड से मिरर करेंगे इसके अपोजिट साइड में हमने यहाँ से पच्चीस सेम एम हमने यहाँ से 20 mm एम इस लाइन को अपसेट किया है और इस लाइन को अब हम इसे मिरर कमांड से मिरर करेंगे सेम इसके जैसा लाइन इसके अपोजिट साइड में बनाने के लिए हमने इसे मिरर करना है तो मिरर कमांड लेंगे और मिरर कमांड लेने के बाद से हम इस ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करेंगे सेलेक्ट करने के बाद हम इसे मिरर करेंगे इसके अपोजिट साइड में फिर हमने ऊपर एक लाइन बनाना है और सेंटर का जो लाइन है इसे हम डिलीट कर देंगे फिर जो लाइन बनाया वो लाइन कुछ यहां से बड़ा है तो ट्रिम कमांड की मदद मतलब से हम इस लाइन को जो बड़े लाइन है इसे हम थोड़ा सा कट करेंगे उसके बाद टू पीस सर्कल लेंगे और दोनों लाइन के बीच में हम दोनों लाइन को सेलेक्ट करेंगे तो दोनों लाइन के बीच में सर्कल बन के तैयार हो जाएगा टू पी सर्कल में हम दो लाइन के बीच में अगर सर्कल बनाना होता है सेंटर में तो हम टू पी सर्कल लेते हैं उसके बाद हम उस सर्कल इस, सेंटर लेने के लिए हमने वो सर्कल बनाया था उसके बाद उसके बीच में हमने एक और सर्कल बनाया इसके बाद जो रेक्टेंगल दिख रहा है उस रेक्टेंगल को हम रेडियस करने के लिए यहाँ पे हम एक और टेन टेन सर्कल लेंगे टेन 10 सर्कल लेने के बाद हम दोनों लाइन को दोनों टेंजेंट यानी हमारा टेंजेंट लाइन ये दोनों लाइन होता है तो हम दोनों टेंजेंट पर क्लिक करेंगे और सेंटर रेडियस का डायमेंशन देंगे, देंगे और एंटर प्रेस करेंगे तो हमारा टेन 10 सर्कल बनके तैयार हो जाएगा रेडियस करने के लिए हमने टेन टें सर्कल लिया और इस सर्कल को बनाने के बाद हम ये जो लाइन है इस लाइन को हम ट्रिम कमांड के मदद से हम ट्रिम कर देंगे तो यहाँ से हमने ये जो साइड का लाइन था उसे हमने ट्रिम कर दिया और सेंट्रल का भी जो ज़्यादा बड़ा सर्कल था उसको हमने ट्रिम कर दिया उसके बाद हम इस सेंटर को उसके बाद से मिरर कमांड के मदद से हम जो ऑब्जेक्ट इसके पहले बनाया था रेडियस करने के लिए उसे हम मिरर कमांड के मदद से यहाँ से मिरर कर दिया और फिर सेम प्रोसेस जैसे ट्रिम किया था सेम इसी प्रकार से इस साइड के लाइन को भी हमने ट्रिम कर दिया तो आप देखेंगे कि दोनों साइड दोनों दोनों कॉर्नर में हमारा रेडियस हो गया फिर हम इस ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करेंगे और उसके बाद से हम एरा कमांड की मदद से हम ऐसा चार सेम डिज़ाइन में हम चार सेंटर टू सेंटर इस तरह के ऑब्जेक्ट को पोलार के मदद से डिवाइड करेंगे फिर यहाँ पे पहले से सिक्स ऑब्जेक्ट सेलेक्ट है इसके लिए हम वहाँ से फ़ोर ऑब्जेक्ट किया जिसमें आप सेम तरह के हम इस तरह के जो रेक्टेंगल टाइप के हमने ऊपर से इसका नोब बनाया था वो चार डिवाइड होकर बनकर तैयार हो जाएगा इसके बाद से हम प्रेस पुल के मदद से हम इसे प्रेस पुल करेंगे व्यू चेंज करने के बाद हम प्रेस पुल लिए और प्रेस पुल लेने के बाद से हम इसे प्रेस पुल करेंगे प्रेस पुल हमें कितना करना है हम अपने हिसाब से डिसाइड कर सकते हैं तो यहाँ पे हमने 20 एम mm ऊपर प्रेस पुल किया और 20 एम mm एम और फिर साइड का जो टाइट करने के लिए नोब है इस नोब को भी हम अपने हिसाब से डिसाइड करेंगे इसका डायमेंशन कितना देना है क्योंकि हमें, हमें हमारे पास इसका साइज नहीं है इसके लिए हम जो भी ऑब्जेक्ट जो भी ऑब्जेक्ट बना रहे हैं उसे हम अपने हिसाब से डायमेंशन दे रहे हैं तो इसे हम दस एम एम ऊपर प्रेस पुल करेंगे और सेम इसी प्रकार से हम जो चारों सेम तरह के ऑब्जेक्ट है इसे हम प्रेस पुल दस एम एम दस एम एम करेंगे अभी इसे हम थोड़ा रोटेट करेंगे हमें दिख नहीं रहा है हाँ अभी इसे हम फिर प्रेस पुल करेंगे दस से इन चारों ऑब्जेक्ट को हम दस दस से प्रेस पुल कर दिए इस साइड को रेडियस करने के लिए हमें यहाँ से फ़िलेट कमांड लेना है और फ़िलेट कमांड की मदद से हम साइड को अपने हिसाब से रेडियस कर सकते हैं और हमने इसे अपने हिसाब से साइड का रेडियस कर लिया ऊपर के साइड में हमें एक डिजाइन करना है उस डिजाइन के लिए हम एक अलग से ऑब्जेक्ट बनाएंगे इसे हम एसोमेट्रिक में या अपने हिसाब से इसे रोटेट करके हमें इसे सेंटर लेने के लिए हमने इसे रोटेट किया और रोटेट करने के बाद से हम यहाँ पे ठीक ऊपर फ्रंट व्यू से हम जब देखेंगे तो हमें कुछ इस प्रकार से दिखाई देगा तो यहाँ पे हमें जो इस ऑब्जेक्ट का सर्कल का सेंटर है वो हमें यहाँ पे दिखाई देगा इसके लिए हमें इसे टॉप व्यू में घुमा दिया है और यहाँ से हम सेम इसी के जैसा एक आ, छोटा सा डिज़ाइन करने के लिए हम अलग से डमी ऑब्जेक्ट बना रहे हैं अभी जो सेंटर का होल है वो 50 एम mm का सेंटर का होल है तो हम जो उसमें भी होल रखेंगे वो 50 एम mm एम ही होल रखेंगे उसके बाद हमने एक इसके ऊपर एक और सर्कल बनाना है सर्कल का साइज अपने हिसाब से डिसाइड कर रहे हैं फिर हमें इसे रोटेट करके और प्रेस पुल कर देना है इसे हम अप साइड में प्रेस पुल करेंगे और अपने हिसाब से इसे हमने दस एम का साइज रख दिया है फिर साइड का कॉर्नर करने के लिए हमने फ़िलेट कमान लेना है इसे रोटेट करके हम सही पोजीशन में करके और फ्लेट कमान के मदद से जो साइड का ये कॉर्नर है हम इसे रेडियस करेंगे अपने हिसाब से साइज देकर हमने एंटर प्रेस किया और ये जो दूसरा लाइन था इसे हमने डिलीट कर दिया और इसके बाद हमने ये जो ऑब्जेक्ट बनाया है ये अलग अलग ऑब्जेक्ट है इसके लिए हमने यूनियन कमांड से हम सभी जो ये चारों नोप दिख रहा है इन चारों नोप को हम इस प्लेट के साथ में मर्ज कर देंगे तो ये एक ही साथ सेलेक्ट होगा और एक ही साथ होगा फिर हमें इसे एक किसी सही पोजीशन में अलाइन करेंगे और जो हमने पहले ऑब्जेक्ट बनाया था उसको उठाकर हमें ठीक इसके सेंटर में रखना है और इसे हमें डिलीट कर देना है फिर हम इसे रोटेट करेंगे और रोटेट करने के बाद से हम देखेंगे कि जो हमने ऑब्जेक्ट दूसरा ऑब्जेक्ट बनाया था इस ऑब्जेक्ट के किस पोजीशन में गया है और फिर हम उसे खींच कर ऊपर करेंगे सेंटर तो पहले ही मिल गया था लेकिन हमने ऊपर कर दिया और फिर हमें कितना इस ऑब्जेक्ट के अंदर आ, उतारना है ताकि हमें जो ऊपर डिजाइन करना है वो आसानी से डिजाइन आ सके फिर यहाँ से मोब कमांड लेकर और हमें इसे टॉप साइड व्यू में करके और अपने हिसाब से इसे हम इसे नीचे उतारेंगे ताकि जो डिजाइन हो प्रॉपरली इस नीचे वाले ऑब्जेक्ट में आ सके तो हमने मूव कमांड लिया और मोब कमांड की मदद से हम इसे अब थोड़ा सा नीचे करेंगे अब इस इसे हम नीचे करेंगे उतना ही जितना हमें चाहिए तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे हमने थोड़ा सा ऊपर रखा है और इसे हम रोटेट करके देख सकते हैं कि किस प्रकार से हमने इसे नीचे उतारा है उसके बाद से इसका विजुअल स्टाइल थोड़ा चेंज करेंगे ताकि कलरफुल दिखे और हम इस ऑब्जेक्ट को इन दोनों ऑब्जेक्ट को एक एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट को सपरेट करेंगे वहाँ से सप्टेट कमांड हमने लिया और पहला ऑब्जेक्ट पर क्लिक किया उसके बाद से दूसरा ऑब्जेक्ट पर क्लिक एंटर दबाने के बाद दूसरा ऑब्जेक्ट पर क्लिक करने के बाद से हमारा जो डिजाइन है वो इस नीचे वाले पीस के अंदर आ, कुछ इस प्रकार से डिजाइन और पैटर्न के मदद से हमने आ, इस डिज़ाइन को कंप्लीट किया ऊपर वाले में उसके बाद से इसका विजुअल स्टाइल थोड़ा चेंज किया और देखेंगे औरिजिनल तो साइज में हम इसे करेंगे और देखेंगे तो हमारा कुछ जो हमने डिजाइन किया ऊपर के साइड में वो देखने में कुछ इस प्रकार से दिखेगा तो आप देख पा रहे होंगे कि कितने अच्छा ये ऊपर वाला हमें डिजाइन किया इसको हम चारों साइड में एक बार रोटेट करके देख लेते हैं कि हमारा ऑब्जेक्ट अभी तक कितना और कैसे बना है फिर हमें नीचे के साइड में एक और डिजाइन करना है जो आप देख पा रहे होंगे तो बैक साइड में पूरा सॉलिड था लेकिन अंदर से हमें Uh, कुछ मटेरियल निकालना है उसके लिए हम एक अलग से फिर डमी ऑब्जेक्ट बनाएंगे और उसमें रेडियस करेंगे और रेडियस करने के बाद हम इस ऑब्जेक्ट में इंसर्ट करेंगे और इंसर्ट करने के बाद फिर सप्टेट करेंगे तो नीचे के साइड में जो हमारा डिज़ाइन है वो अच्छी तरह से बनकर रेडी हो जाए तो इसे हम अभी रोटेट किया तो आप देख पा रहे हैं कि ये पूरा सॉलिड दिख रहा है लेकिन सॉलिड नहीं रखना है तो यहाँ पे हमने एक आ, अपने हिसाब से सर्कल ड्रा किया उसके बाद से सेंटर में जो होल है उसके लिए हम एक और सर्कल ड्रा करेंगे हमने दो सर्कल ड्रॉ कर लिया है उसके बाद हम इसे रोटेट करेंगे और रोटेट करने के बाद से हम इस ऑब्जेक्ट को किसी अलग साइड में मूव करके रखेंगे ताकि जो नीचे मैंने सर्कल बनाया वो हमें प्रॉपर दिखाई दे तो सेंटर वाले जो सर्कल था पहले का बना हुआ उसे हम डिलीट करेंगे हमें इनमें से सिर्फ दो सर्कल चाहिए उसे हम कॉपी करेंगे और कॉपी करके हम किसी अलग साइड में उसे ले जाएंगे नहीं तो हमें यहीं पे प्रेस पुल के मदद से इसे एक्सटेंड कर देना होगा हमने इसे प्रेस पुल की मदद से यहीं पे जहाँ पे हमने सर्कल ड्रॉ किया था वहीं पे हमने इसे <coughs> प्रेस पुल किया और उसके बाद से हम इस ऑब्जेक्ट को किसी साइड में करेंगे दूसरे वाले ऑब्जेक्ट में इसे अलाइन करने के लिए हम थोड़ा सा रोटेट करके देखेंगे <k tört> रोटेट करने से पहले हम इसको थोड़ा रेडियस कर लेते हैं रेडियस हम अपने हिसाब से करेंगे फिलेट के मन की मदद से हमने इसमें रेडियस कर लिया और रेडियस करने के बाद हम इसे अलाइन रेडियस करने के बाद हम इसे अलाइन करेंगे रोटेट करके हम देख लें ताकि हमें रोटेट करके हम एक बार इसे देख सकते हैं कि कैसे हमारा जो पैटर्न बनाना है वो किस तरह से बना है और हम इसे एक बार टॉप व्यू में रोटेट करके और इसे इस जो अभी मैंने ऑब्जेक्ट बनाया इस ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करके दूसरे वाले ऑब्जेक्ट के अंदर इंसर्ट करेंगे तो मूव कमांड की मदद से हमने इस ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करके और मूव कमांड के मदद से हमने इस ऑब्जेक्ट को, को दूसरे वाले ऑब्जेक्ट में इंसर्ट किया और देखेंगे तो ये अभी सही <coughs> फिट नहीं बैठा है तो फिट बैठाने के लिए हमें फिर इसे मूव करके ऊपर करना होगा ऊपर करने के बाद से फिर हम मूव कमांड लेंगे और उसके बाद से फिर हम थोड़ा ऊपर करेंगे जितना हमको चाहिए हमें अपने हिसाब से तो हमने इसे थोड़ा टॉप साइड से नीचे रखेंगे मैंने ऊपर जो डिज़ाइन किया था वो इसके नीचे था अगर ज़्यादा ऊपर करते हैं तो ऊपर वाला में आ, कट जाएगा इसके लिए हम अपने हिसाब से इसे जूम करके चेक करेंगे और फिर हम इसे उतना ही मूव करेंगे जितना अपने को चाहिए तो मैंने इसे रोटेट करके कुछ इस पोजीशन में लाया और फिर हम मूव कमन की मदद से इसको थोड़ा सा और अंदर करेंगे और उसके बाद से हमने इसे सॉफ्टवेयर की मदद से हमें इसे सपटेट करेंगे लेकिन थोड़ा सा पहले मूव करके थोड़ा ऊपर कर लेते हैं तो ये हमने ऊपर कर लिया और इसके बाद से हमें इसे थोड़ा जूम करके और सपरेट कमांड की मदद से हम एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट रिमूव करेंगे जो पहले का बना हुआ सर्कल था उसे हम पूरा डिलीट कर देंगे अब उसका कोई काम नहीं है फिर हमें सॉफ्टवेयर कमांड के मदद से इनमें से दूसरे ऑब्जेक्ट को निकालेंगे तो निकालने के बाद आप देख पा रहे होंगे कि हमारा ऑब्जेक्ट जो बना ये कुछ इस प्रकार से बना लेकिन जो ये साइड के स्टेप है सेंटर का जो स्टेप दिख रहा है ये हमें नहीं चाहिए तो हम इसके लिए बैक आएंगे और बैक आने के बाद से कंट्रोल जेड करेंगे तो हम बैक आते जाएंगे कितना पर हमें कितना बैक आना है वो हम अपने हिसाब से वहाँ पर रुकेंगे मैंने यहाँ मैंने यहाँ तक बैक आया उसके बाद से हम इसे थोड़ा सा मूव कमांड की मदद से नीचे लेंगे ताकि हम इसके सेंटर में एक दूसरा और सर्कल बना बना सकें सर्कल दूसरा बनाने का रीज़न ये है कि ये दोनों जो नीचे वाला ऑब्जेक्ट है वो पूरा सॉलिड हो जाएगा जब सॉलिड होगा तो बैक साइड का जो ऑब्जेक्ट है उसमें से अच्छी तरह से कटिंग हो पाएगा अभी जो हमने पहले वो सेंटर का जो सर्कल बनाया था उसी को हमने प्रेस पुल किया अपने हिसाब से और इस प्रेस पुल को हम इसके ऊपर वाले ऑब्जेक्ट में इंसर्ट करेंगे मैंने रोटेट कट के राइट व्यू में ले लिया और फिर हम इस ऑब्जेक्ट को उठाकर उसके सेंटर पॉइंट पे रखेंगे तो ये ठीक उसके अंदर इंसर्ट हो जाएगा और फिर फिर हम यूनियन कमांड के मदद से इन दोनों ऑब्जेक्ट को पहले यूनियन करेंगे तो ये दोनों ऑब्जेक्ट एक हो जाएगा आपस में मर्ज हो जाएगा तो जब हम एक बार सेलेक्ट करेंगे तो दोनों एक साथ सेलेक्ट होगा तो आप देख पा रहे होंगे कि जो नीचे वाला हमने बनाया था वो कुछ इस प्रकार से है फिर हम इसे थोड़ा सा मूव कमांड की मदद से हम इसके लिए हमने इसको ऊपर किया ताकि ऊपर का पॉइंट हमें दिखाई दे और हम सही से नीचे वाले ऑब्जेक्ट में इसे फिट बैठा सकें तो अभी देखेंगे तो हमें पॉइंट मिल मिल गया और फिर मैंने ऊपर से आ, सेंटर पॉइंट पे उसे रख दिया है इसे हम एक बार रोटेट करके देखेंगे फिर हम सब कमांड की मदद से हम ऊपर वाले को सेलेक्ट करेंगे उसके बाद से एंटर प्रेस करेंगे फिर नीचे वाले को सेलेक्ट करके हम एंटर प्रेस करेंगे तो जो ये दोनों फिर यूनियन कमांड की मदद से हम दोनों ऑब्जेक्ट को पहले नीचे वाले जैसे हमने डिलीट उस तो नीचे वाले इसका अभी कोई काम नहीं है इसे हम डिलीट करेंगे और यहाँ से थोड़ा रोटेट करके हम जो दो ऑब्जेक्ट आपस में मर्ज किया था वो मर्ज नहीं हुआ है इसके लिए हम उसका व्यू चेंज करेंगे व्यू चेंज करें हमने फ्रंट व्यू में इसे डाला है उसके बाद से हम इन दोनों ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करके दोनों को मर्ज पहले करना पड़ेगा और मर्च करने के बाद अभी देखें अभी आप देख पा रहे हैं कि जब मैं ऊपर वाला ऑब्जेक्ट उठाया तो एक ही उठा इसके लिए हम मेन कमांड की मदद से हमने मर्ज कर दिया दोनों को एक साथ में और फिर हम सेलेक्ट करेंगे तो दोनों हमारा एक साथ सेलेक्ट होगा मतलब दोनों एक में मर्ज हो गया और एक साथ दोनों अप एंड डाउन हो सकता है इसे हम एक बार थोड़ा सा रोटेट करके देखते हैं तो आप देख पा रहे हैं कि अभी सही तरीका से प्रॉपर बैठा नहीं है फिर हम इसे मूव कमांड के मदद से इसे अपने हिसाब से ऊपर के साइड में ले जाएंगे और जितना चाहिए अपने को उतना हम उसे रखेंगे अभी इसे हम रोटेट करके थोड़ा देखेंगे तो हमारा जो नीचे वाला ऑब्जेक्ट था उसमें अच्छी तरह से इंसर्ट हो गया फिर हम इसे सपेट कमांड के मदद से ऊपर वाले कमांड को ऊपर वाले ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करेंगे उसके बाद सेंटर प्रेस करेंगे फिर नीचे वाले सेलेक्ट फिर नीचे वाले ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करेंगे और फिर एंटर प्रेस करेंगे तो ये हमारा जो पीस है वो बनकर रेडी हो जाएगा अंदर से हमारा मटेरियल निकल जाएगा तो अभी आप देख पा रहे होंगे कि मैंने अंदर का जो डिजाइन करना था वो अच्छी तरह से हमने अंदर का डिज़ाइन कर दिया इसे रोटेट करके हम देख लेते हैं कि कैसा हुआ तो आप देख पा रहे होंगे कि कितने अच्छे से ये जो हमारा मोटर का बैक प्लेट था वो अच्छी तरह से बन गया लेकिन अभी इसमें थोड़ा सा एक काम बाकी है अभी आप देख पा रहे होंगे कि जो उसका कोर दिखाई दे रहा है साइड का उसमें हमें एक स्टेप देना है अभी आप, आप देखेंगे तो यहाँ पे सिर्फ पूरा सॉलिड ही दिखाई दे रहा है लेकिन साइड में हमें थोड़ा सा कोर बनाना है तो उस कोर बनाने के लिए फिर हम एक छोटा सा सर्कल ड्रॉ करेंगे और फिर तीनों को दोनों को अलाइन करके और हम सेंटर पॉइंट लेंगे और सेंटर पॉइंट लेने के बाद से फिर हम सप्ट्रेट करेंगे तो वो हमारा कोर बन जाएगा तो यहाँ पे हमें एक सर्कल बनाने के लिए हमें एक सर्कल ड्रॉ करना होगा टॉप व्यू में मैंने ऑब्जेक्ट को किया और उसके बाद से हमें इसे इस सेंटर से हमें एक दूसरा ऑब्जेक्ट बनाएंगे जो उसका आउटसाइड डायमीटर था हमने 120 सौ mm का आउटसाइड डायमीटर बनाया था तो हम दोनों साइड में दो दो एम एम का कोर रखना है यानी मोटर के ऊपर जब बैठाते हैं तो थोड़ा सा कोर स्टेप रहता है तो आसानी से उस स्टेप और बॉडी और ये प्लेट दोनों आपस में मैच हो जाता है उसके लिए हमें एक कोर टाइप का बनाना है साइड में तो हम यहाँ पे एक सेम 120 का सर्कल ड्रॉ किया उसके बाद से हम इससे थोड़ा सा 120 नहीं 120 से हम थोड़ा कम बनाएंगे दो एम एम चार एम एम कम बनाएंगे तो दो दो एम एम का साइड में स्टेप हो जाएगा तो मैंने यहाँ पे एक टर्मी ऑब्जेक्ट बनाया जिसमें जिसको हम इंसेट करके कोर बनाने वाले हैं फिर हम उस ऑब्जेक्ट को यहाँ पे इंसर्ट करेंगे और हम देखेंगे कि सही तरीके से इंसर्ट हुआ है कि नहीं हम इसे रोटेट करके एक बार देखेंगे कि हमारा ऑब्जेक्ट ने जो अभी डमी ऑब्जेक्ट बनाया है वो कहाँ पे आया है तो आप देखेंगे तो ये टॉप साइड में आकर रुका हुआ है तो हम इसे नीचे की साइड में हमें कोर बनाना है तो इसे हम मूव कमांड की मदद से हम नीचे की साइड में लाएंगे फिर नीचे लाने के बाद हमें थोड़ा सा और ऊपर करना है कितना ऊपर करना है साइज के हिसाब से भी कर सकते हैं लेकिन हम यहाँ पे बिना डायमेंशन के करें तो अपने हिसाब से इसे ऊपर करेंगे और हम इसे रोटेट करके देखेंगे तो ये जो पीस है उसमें अच्छी तरह से मैच हो गया है फिर हम सॉफ्टवेयर की मदद से एक ऑब्जेक्ट से दूसरा ऑब्जेक्ट निकालेंगे फिर हम यहाँ उसके बाद से सॉफ्टवेयर की मदद से हम ऊपर वाले में से नीचे वाले को सॉफ्टवेयर करेंगे तो आप देख पा रहे होंगे कि साइड में कोर कैसे कितना अच्छा से बन गया तो इस तरह से हमारा जो ये प्रोजेक्ट है ये तैयार हो गया और ये बस इतना ही हमें इसमें काम था और इतना ही बनाना था तो आप इजीली इसे बना सकते हैं इस स्टेप को फॉलो करके तो आप इसे देख सकते हैं कि इसमें किसी भी तरह के कोई भी ऐसा दिक्कत नहीं हुआ बनने में और आप भी ऐसा बना सकते हैं स्टेप फॉलो करके आप देख पा रहे होंगे कितने अच्छे से यहाँ पे कोर भी बन गया और हमें इसे अलग अलग व्यू में देख सकते हैं तो बस आज के लिए इतना ही मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ जब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं हमारे चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि जो भी मैं वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले